उत्तर प्रदेश के अमरोहा में तस्करी के लिए लाई गई चंदन की लकड़ी की कीमत अब 1 अरब से ऊपर पहुंच गई है। पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है। पुलिस ने देर रात चंदन की तस्करी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 5 लोगों को नामजद किया गया है। वहीं गोदाम से चंदन की लकड़ी निकली है। आपको बता दें कि रविवार को दिल्ली क्राइम ब्रांच के साथ अमरोहा पुलिस ने कार्यवाही की थी। रविवार रात 10 बजे तक चंदन की 50 क्विंटल लकड़ी बरामद की गई, जिसकी कीमत 50 करोड़ रुपए बताई गई थी। बता दें कि रविवार को दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम और अमरोहा पुलिस ने शहर के मोहल्ला हाशमी नगर स्थित गोदाम में छापा मारकर भारी मात्रा में चंदन की लकड़ी और खैर की लकड़ी का बुरादा बरामद किया है। आलिशान बिल्डिंग में बने गोदाम से बरामद लकड़ी की कीमत 50 करोड़ रुपए बताई गई। मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दोपहर बाद से शुरू हुई कार्यवाही रात तक जारी रही, जिसके बाद आज सुबह चंदन की लकड़ी की कीमत 1 अरब से ऊपर पहुंच गई। कहा जा रहा है कि चंदन की इन लकड़ियों की सप्लाई चीन, जापान सहित कई देशों में की जाती है। अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। बताइए जो ये आज ये चंदन की लकड़ी का जो मतलब एक गोदाम पे छापा मारा है, वहाँ चंदन की लकड़ी बरामद हुई, क्या है मामला था? जी, इसमें आज दिल्ली क्राइम ब्रांच टीम आई थी एक अभियुक्त को पकड़ने के लिए, जिसमें कि हमारी पुलिस साथ में थी। और इसमें हमने जब कई ठिकानों पर छापेमारी की तो एक ठिकाने पर चंदन की लकड़ी भारी मात्रा में पकड़ी गई है। और ये लगभग 50 क्विंटल के आसपास की लकड़ी है, जिसमें कि रेड सैंडलवुड है, वाइट सैंडलवुड है, खैर की लकड़ी भी है, उनका भूरा भी है। और यह जानकारी में आया है कि यह लकड़ी जो है स्मगल करके चाइना और जापान इत्यादि देशों में भेजी जाती है। इसमें फॉरेस्ट के अधिकारी आए हैं, उन्होंने इसको प्रथम दृष्टया प्रमाणित किया है। और इसमें इनका कहना है कि यह लगभग 50 करोड़ के करीब की लकड़ी है। इसको आगे और मुकदमा दर्ज कर छानबीन की जा रही है। फिलहाल यहाँ पर जो लोग मिले हैं उन्हें हमें हिरासत में लिया है, और आगे इसमें मुकदमा दर्ज कर जो भी इसकी पूरी जांच पड़ताल है वो की जाएगी। तो इसमें अभी तक क्या नाम प्रकाश में आए, अभी तक कुछ पता लग पाया कि जो प्रथम दृष्टया जिसमें कौन लोग शामिल थे? जी, इसमें अभी एक कमर नाम के व्यक्ति का पूरा गिरोह होना सामने आया है, और आसपास के जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी। और जिन लोगों का भी यहाँ आना जाना रहा है, जिनकी संपत्ति है, उन सबसे पूछताछ की जाएगी। जो यहाँ पे मजदूर हैं उनसे पूछताछ की जाएगी, उन्होंने यहाँ रखा है। और पूरा जो गिरोह है इसका दिल्ली से लेकर आंध्रा और आगे तक का, उसका पूरी छानबीन की जाएगी। क्या किसी ग्रुप के जो इसका ग्रुप का मामला सामने सुनने वाला है, इसमें चश्मा आ रहा जी? इसमें पूरे मामले की छानबीन की जाएगी। जो भी संदिग्ध आएंगे, जिनका भी लिप्त होना पाया जाएगा, उन लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कब से ये संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। पुलिस की तहत कैसे कैसे यहाँ पहुँची है, किस तरीके से ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.